हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल SSBeauty ब्लॉग में। तो जहाँ तक आपने देखा होगा कि मैं ज्यादातर अपने हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। सो जो मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ खुद, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, पहले मैं उसको बहुत बार अप्लाई कर चुकी होती हूँ, उसके बाद ही मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। और मुझे भी काफी बेहतर रिजल्ट मिलता है इन सारी चीजों से, बजाय बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्टों से। तो जब अपने घर में छोटी छोटी चीजें आपने बहुत ही काम आ रही है, तो पहले आप अपने उसको अप्लाई कीजिए ना, और उससे कई हद तक आपके बालों को अगर हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल पहले काफी ज्यादा छोटे थे, और मैं ज्यादातर अपने बालों में जो घर के एलोवेरा जो भी चीजें मुझे मिलती हैं उनसे, मैं जब भी यूट्यूब से हूँ उसके थ्रू मुझे कुछ भी अच्छा मिलता है, तो पहले मैं उसको घर पे खुद अप्लाई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो प्याज अपने सबके घर में मिलती है, इजीली मिल जाती है, तो आज मैं उससे बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में उसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। तो सबसे पहले आपको प्याज लेनी है, प्याज को छीलना है और उसके छोटे छोटे पीस करने हैं। तो आप प्याज अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे बाल थोड़े बड़े थे इसीलिए और घने थे, इसीलिए मैंने 3 प्याज लिए। आप अपने बालों के हिसाब से प्याज ले सकते हैं। तो उसके मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो प्याज के छोटे छोटे पीस करने के बाद आप उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें अच्छे से और उसका जूस निकाल लें। तो आप मार्केट से जो महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, काफ़ी सारे महंगे आते हैं, अनियन का कंडीशनर, शैम्पू, ऑयल, तो इससे अच्छा है जो आपके पास घर में ऑनियन है उसका यूज करके देखें। और सच में ये बालों को बहुत हद तक झड़ने से रोकता है। तो मैंने तो बहुत अप्लाई किया है, पहले भी किया है। तो मैंने पहले बाज़ार के भी मार्केट के भी प्रोडक्ट यूज़ किए थे, तो मेरे बाल और झड़ने लगे थे। और सबसे दिक्कत है कि मेरे बालों में जुओं की बहुत प्रॉब्लम है। मैं जैसे ही बाहर का ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में बहुत जल्दी जुए हो जाते हैं, इसीलिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाती और सिर्फ शैम्पू और सरसों का तेल ही अप्लाई करती हूँ। सरसों का नहीं तो नारियल का करती हूँ, बस मैं 2 ही तेल अपने बालों में लगाती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऑनियन जूस को कॉटन की हेल्प से अपने बालों में लगाना है, और इसको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमारी स्कैल्प पे होना बहुत ज़रूरी है। लेंथ पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि लेंथ में ये कोई फ़ायदा नहीं देता है, देगा तो सिर्फ स्कैल्प पे देगा। और तो इसको आपको सप्ते में 2 बार लगाना है, और इस जूस का यूज़ आप पूरे 1 महीने लगातार कीजिए, और फिर आप रिज़ल्ट देखिए। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया अरे हमारे तो बाल लंबे ही नहीं हुए, ये गलत बता रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये पहली बार नहीं ट्राई कर रही हूँ, मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। तो अनियन जूस को आपको जैसे मैं लगा रही हूँ हर एक बालों को खोल खोल के, वैसे ही आपको लगाना है अच्छे से। और इसको आपने बालों में 30 मिनट तक रखना है, उसके बाद आप बालों में शैम्पू कर सकते हैं। तो अभी समर के सीज़न में काफ़ी हद तक बालों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में खुजली, इचिंग होना और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ अप्लाई ज़रूर करें, जिससे बाल कम टूटे, कम झड़ें और नए बालों का ग्रोथ ज़्यादा हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरे बालों में डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये ऑनियन का जो जूस है वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी कई हद तक आपको छुटकारा देगा, और डैंड्रफ के होने की वजह से ही आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं।
तो ऑनियन जूस में मौजूद सल्फर हमारे बालों को झड़ने से बहुत ज़्यादा रोकता है, पोषण देता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो बाल नए नहीं आ रहे हैं वो भी आने लगते हैं। ऑनियन में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, ये गिरते बालों को रोकता है। ऑनियन में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे ये सफ़ेद बाल होने से भी काफ़ी हद तक रोकता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑनियन हम खाते नहीं हैं, बहुत से लोगों को ऑनियन में से बहुत बदबू आती है और कच्ची ऑनियन में से तो बहुत ही ज़्यादा आती है, तो वो सोच रहे हैं कि हम इसको अपने बालों में कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आती है उसमें से, और इसको लगाने से क्या पता किसी के बालों में खुजली होने लगे। तो इसको पहले आप थोड़ा ही अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अपने पूरे बालों में लगाइए, पर ऐसा मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं जिनको ऑनियन में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो वो कुछ ऑनियन जूस ले लें और कुछ कोकोनट ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल, उस जूस में ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आप अपने बालों में लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आपको 30 मिनट तक अपने बालों में रखना है, उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। तो ऑनियन जूस लगाने के एक अनोखा फ़ायदा और है, जो अपने बालों में जुआ लीकें हो जाती हैं तो ये वो भी ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस में बोला था तो अदर वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको बंद करके ये बाकी का खुद बाद में वॉइस रिकॉर्ड करी थी। तो मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी, ऑनियन जूस कैसे लगाना है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और सच में ये काम करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक बार फिर बोली, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाए।